दोस्तों अभी अभी एक बड़ी दुख भरी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। झारखंड राज्य में धनबाद के एक आशीर्वाद टावर में आग लगने से 14 लोगों की जान चली गई। शादी के दौरान गैस सिलेंडर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, 6 लोगों के शव निकाल लिए गए। झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर नाम से एक टावर है, उसमें भीषण आग लग गई बिल्डिंग है, कहने का मतलब। इस हादसे में एक बच्ची समेत 14 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आशीर्वाद ट्विन टावर के 5 फ्लोर तक आग फैल गई। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि जिस घर में आग लगी है उनके घर पर शादी थी। 31 जनवरी को ही सिद्धिविनायक होटल में यह पार्टी होनी थी, लेकिन आग की वजह से खुशियों भरा घर मातम में डूब गया। अब तक 24 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप घटनास्थल की, कितनी भगदड़ मची हुई है। रात का अंधेरा अलग से है और इसीलिए काफी दिक्कत हो रही है। आशीर्वाद टावर में टोटल 10 फ्लोर है, आग 5 फ्लोर तक फैल चुकी है, इतनी भीषण आग थी। अभी भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका है, लेकिन अग्निशामक गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और लगातार आग बुझाने में लगी हुई है। यहां तक कि आग एक के बाद दूसरे फ्लैट में फैलती जा रही है। 20 से अधिक फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लग चुकी हैं। काफी संख्या में पुलिस फोर्स और बचाव कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। अपार्टमेंट के अधिकतर फ्लैट को खाली करा लिए गए हैं। कई लोग अपार्टमेंट की छत पर जाकर जान बचाने की गुहार भी लगा रहे हैं। हालात ये हैं कि कुछ लोगों के शव अभी तक भी सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं, कईयों को अस्पताल पहुंचाया गया। बचाव कर्मी लोगों के साथ शवों को भी बाहर निकाल रहे हैं। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों का दम घुट रहा है। अब तक 24 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालकर आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालांकि बिल्डिंग में अभी भी कितने लोग फंसे हुए हो सकते हैं इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन आग की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूर से ही बिल्डिंग में आग पूरी तरह से दिख रही है। धनबाद में बीते दिन सोमवार को भी आग लगने की खबर आई थी और उसमें भी 19 दुकानें जलकर खाक हो गई थी, और ये धनबाद में लगातार दूसरे दिन बड़ी आग की दुर्घटना देखी गई है। हम घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और मरने वालों की आत्मा को ईश्वर शांति दे।